गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको इसके मेथड्स के बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड, क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका? समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कैसे निकालते हैं? ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ऐसे ही बच्चों हम लोग निकालेंगे स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन मेथड में ए प्लस समीशन एफ टी डैश डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इनटू में आई। आप इनटू में आई भी लिख सकते हैं। आई का मतलब इंटरवल होता है और सी का मतलब ही क्या होता है बेटे? क्लास इंटरवल होता है। इट्स अ सेम थिंग। ओके तो बेटे आज मैं इस पॉइंट के अंदर कराऊंगी आपको फर्स्ट मेथड। देखो बेटे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाई टू, इट मीन्स 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15। कितना आ गया बच्चों? 15। तो बेटे हम मिड वैल्यू निकालेंगे 15, 25, 35, 45 और 55। अब हम बेटे इसकी किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? एफ से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। एफ का टोटल कर लेंगे। ओके ये आ जाएगा बच्चों हमारा बेसिकली। हम क्या करेंगे? एफ एम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों। ये आ गया हमारा 450। उसके बाद हम लोग इन सबकी बेसिकली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा बच्चों हमारा 2810। तो बेटे 2810 डिवाइडेड बाय 98। जब बेटे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा 26 ईयर्स। ओके तो बेटे ये हमारा डायरेक्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्टकट और डेविएशन मेथड भी कराऊंगी। ध्यान से नंबर 10 बेटे इसको ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो देखो बेटे इसमें दे रखा है 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4। पहले तो बेटे हम इस सीरीज को विथ फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में है, इसको सही करेंगे। तो देखो बेटे यहां पर आप इस सीरीज को कैसे लिखेंगे? आइटम्स, और उसके बाद बेटे हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी। ओके आप देखो बेटे आइटम्स आप ठीक करोगे 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, यहां तक है बच्चों। ऐसे बेटे फ्रीक्वेंसी को भी रिवर्स कर देंगे आप 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने से पहले वी रिक्वायर्ड एम। एम को ही बेटे हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे? एक्स, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली क्लियर, हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके तो देखो बेटे आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा बेसिकली 1, 3, 5, 7, 9। ओके तो अब हम निकालते हैं बच्चों शॉर्टकट मेथड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेविएशन। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो देखो बेटे हम लोग इसी में से ही एज्यूम मीन ले लेंगे बच्चों ए। क्या ले लेंगे? ए। आपकी बुक में बेटे एम दिया हुआ है, नो नीड टू कंफ्यूज, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में एम को एक्स के इक्वली कंसीडर किया है। आप चाहें तो यहाँ पर एम माइनस ए भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं। इट्स सेम थिंग। ओके तो देखो बेटे बेसिकली -4 -2 0 2 4। ओके तो बेटे जब f है तो हम लोग f से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके यह आ जाएगा बच्चों हमारा -8 -8 0 16, और ये आ गया बच्चों हमारा 40। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको मेथड लिख के बताऊंगी शॉर्टकट का। a प्लस समीशन एफ टी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। ओके तो बेटे इसका माइनस आ गया बच्चों -16, और ये आ जाएगा बच्चों 56। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारा एफ टी आ गया 40। कितना आ गया? 40। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे हम लोग। इसके लिए बेटे हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल पता होना चाहिए 6, 6, 12, 8, 20, और ये बेटे बन गया हमारा 30। ओके तो देखो बेटे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे। इस क्वेश्चन में हमने ए क्या माना था? 5। एफ टी क्वेश्चन में कितना है बच्चों? 40 और डिवाइडेड बाय 30। और हम इसको क्या करेंगे बेटा आगे सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस ये आ जाएगा हमारा 1.33,
देन द आंसर विल बी 6.33। बेटे न्यूमेरिकल को एक बार और ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले तो मैंने आइटम्स को रिवर्स किया क्योंकि वो क्या थी 8 to 10, 6 to 8 थी, साथ साथ मैंने फ्रीक्वेंसी को भी ठीक किया। उसके बाद बेटे मैंने m को ही x के इक्वल कंसीडर कर लिया, d निकाला डेविएशन x माइनस a, यहाँ पर हमने एज्यूमिंग ले लिया बच्चों 5। उसके बाद इस वैल्यू को हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 40 इज अवर आंसर। फॉर्मूला पुट किया, a की जगह किसकी वैल्यू रखी 5 की, d की जगह किसकी वैल्यू रखी है 40 की, और f हमारा क्वेश्चन में कितना है बच्चों 30। इसको सॉल्व करोगे देन आंसर विल बी 6.33। अब इसी के अंदर बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको करा देती हूँ एसेंशियल प्रैक्टिकल के अंदर ही यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगी मैं आपको। तो देखो बेटे इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, रन्स, साथ साथ बेटे आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटे 5 to 15 कितने एवरेज आई है 10 की, कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी 10। 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड लास्ट वन 45 to 55। ओके ये है स्टूडेंट 10, 12, 17, 19 और लास्ट वन इज 22। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या रखा है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप डिवीजन मेथड का ही यूज करना है। तो देखो बेटे क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं जिसको हम लोग एक्स के इक्वल कंसिडर करेंगे। ओके तो देखो बेटे ये आ जाएगा हमारा 5 + 15 = 20 डिवाइड बाय 2 = 10 और डिफरेंस बेटे कितने का है 10 का, तो मिड वैल्यू 20, 30, 40 और 50। ओके अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि हम एज्यूम मेन ली, मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम मेन ले लिया 30। ओके अब हम निकालेंगे बच्चों डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके हमारा स्टेप डिवीजन का मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ इनटू में आई, आई भी लिख सकते हैं बच्चों, आप सी भी लिख सकते हैं, नो डाउट बोथ आर सेम थी। अब देखो बेटे आप इसकी वैल्यू करोगे -20 - 10 = 0, 10, 20। ओके उसके बाद आप निकालेंगे बच्चों डी डैश निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, डी डैश का फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस ए तो ऑलरेडी है हमारे पास, उसको हम लोग सी से क्या कर देंगे डिवाइड, इनके बीच का डिफरेंस भी देखिए बच्चों 10 है और वैसे भी 10 क्या है यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, इन दोनों को कंसीडर करेंगे आप -2 - 1 = 0, 1, 2। ओके अब आप निकालेंगे बच्चों एफ डी डैश, ठीक है बेटा हियर इज योर एफ, तो ये आ जाएगा बच्चों -20 - 12 = 0, 19 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 44। ओके इसको काउंट करोगे दैट इज -32 और बेटे इसको आप काउंट करोगे +63। ओके तो बेटे हमारा जो समीशन एफ डी डैश ओके कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा बच्चों 31। कितना आ गया बच्चों 31। आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ए हमने क्वेश्चन में कितना लिया है बच्चों 30 + 31 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 9 to 11 और क्लास इंटरवल बेटे क्वेश्चन के अंदर कितना है 10। ओके हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 3.875, द आंसर विल बी 33.875। देखो बेटे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से भी क्वेश्चंस को केवल और केवल वीडियो के अंदर समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा, इट्स अ वेरी मच इजी टॉपिक इन योर बुक। और बेटे प्रैक्टिकल तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो बेटे अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत रहती है मुझे बताइए, और मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपके लगभग 12th तक क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाते हैं। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट करेक्टेड मीन, वेटेड मीन एज वेल एज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, जो आपके 3-4 कॉन्सेप्ट रह गए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।